ब्रॉट टू यू बाय टेक्नो स्पार्क 20 सीरीज स्मार्टफोन्स। मेरे सामने जिस प्रत्याशी को एनडीए ने चुनाव के अंदर उतारा है, वो पहले दो बार उसको मैंने शिकस्त दी है। जो जन भावना है नागौर की और राजस्थान की, अगर इलेक्ट्रोल बॉन्ड का सारा पैसा एनडीए खर्च कर दे, फिर भी जन भावनाओं को खरीदा नहीं जा सकता। नागौर की सीट तो हम जीतेंगे जीतेंगे, पूरे राजस्थान के अंदर इंडिया अलायंस मजबूती के साथ परचम लहराएगा। देखिए, इंडिया अलायंस के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी शामिल हुई है और मजबूती से हम चुनाव लड़ रहे हैं। नागौर के साथ पूरे राजस्थान के अंदर हम एनडीए को मात देंगे। और मेरे सामने जिस प्रत्याशी को एनडीए ने चुनाव के अंदर उतारा है, वो पहले दो बार उसको मैंने शिकस्त दी है। और मैं जो जन भावना है नागौर की और राजस्थान की, अगर इलेक्ट्रोल बॉन्ड का सारा पैसा एनडीए खर्च कर दे, फिर भी जन भावनाओं को खरीदा नहीं जा सकता। इस बार जन भावनाएं एनडीए के खिलाफ है और इंडिया अलायंस से नागौर की सीट तो हम जीतेंगे जीतेंगे, पूरे राजस्थान के अंदर इंडिया अलायंस मजबूती के साथ परचम लहराएगा। वो आज तय कर लेंगे कौन होगा, जो जैसी भावनाएं होगी लोगों की उस हिसाब से कर दें। हमारे खाते में नागौर की सीट आरएलपी के खाते में छोड़ी है इंडिया अलायंस ने। नारा तो 400 पार का हमेशा ही देते हैं, लेकिन आज जो देश के अंदर किसान जवान, बढ़ती महंगाई, चाइना पाकिस्तान से लेके जिस तरह के हालात बन रहे हैं, जिस तरह साधित देश के अंदर बढ़ रही है, जब 2014 के अंदर सत्ता के अंदर आए थे तब इन लोगों ने नारा दिया था कि बॉर्डर पे कोई साधित नहीं होगी, लेकिन साधित बढ़ रही है। हमेशा रोज हमारे सैनिक शहीद हो रहे हैं सीमा पे, रोज किसान के बेटे शहीद हो रहे हैं, और जिस तरह की योजनाएं लगातार लागू कर रहे हैं, वो जवान और किसान को मारने का देश में प्रयास हो रहा है। सेना का मनोबल भी जिस तरह गिराने का प्रयास इस एनडीए गठबंधन ने किया, और किसान के लिए हमने एनडीए को छोड़ के सड़क पर किसान जवान के साथ लड़ाई लड़ी, और उसी का परिणाम है कि आरएलपी राजस्थान की सबसे पसंदीदा पार्टी बनी। और जब पार्टी बनी थी तब हमने लोगों से वादा किया कि जब भी जरूरत पड़ेगी तो जवान किसान के लिए सत्ता छोड़ के सड़क पर मिलेंगे। और आज फिर सत्ता छोड़ के जब देश को आवश्यकता है कि जो लोकतंत्र खत्म हो रहा है इस देश के अंदर, इसको कैसे बचाया जा सके, लोकतंत्र को बचाने की जो आखिरी जंग है, आखिरी महाभारत है, इसमें हमने इंडिया अलायंस का साथ दिया और मजबूती के साथ राजस्थान के अंदर चुनाव लड़े, अन्य जगह भी जरूरत पड़ेगी प्रचार के लिए जाए। राजस्थान में तो पड़ेगा, हरियाणा, यूपी, दिल्ली, तमाम जगहों पड़ेगा। नौजवानों के अंदर बहुत जोश है और इसके परिणाम अच्छे होंगे, अच्छे परिणाम देखने को मिले। जोश आप देख रहे हो और कई जगह तो ज्यादा जोश भी आज आपको देखने को मिला होगा। एयरपोर्ट पे बच्चों के अंदर बहुत जबरदस्त जोश है, इस जोश को वोट में ये नौजवान बदलेंगे और विधानसभा चुनाव के अंदर जो थोड़ी कमी रह गई थी उसको पूरा करेंगे और मजबूती से एनडीए को, और ये जो इनके नेताओं का जो घमंड अभिमान है, जिस तरह आज ये पार्टियां तोड़ के, पार्टियों को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, चुनी हुई सरकारें गिरा रहे हैं देश के अंदर, तो इनका घमंड और अभिमान इस बार देश की जनता और नौजवान उतार देगा।